आज हम फिर एक नई ऊर्जा के साथ आए हैं क्लास लेने। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत के पड़ोसी देश, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? भूटान देश की। किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे भूटान की। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? कौन से देश की? भूटान की। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? भूटान की। तो भूटान जो है ये इस यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक देश है और पूरी तरीके से ये क्या है? लैंड लॉक है। क्या है ये? लैंड लॉक। ठीक, लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था आपको लैंड लॉक क्या होता है। ऐसा देश जिसकी कोई सीमा किसी समुद्र से नहीं जुड़ती, उस देश को क्या कहा जाएगा? लैंड लॉक कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस लैंड लॉक को छोड़ते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे और यहाँ से अब बात करते हैं किसकी? भूटान के बारे में। भूटान की, देखो भूटान क्या है? भूटान का एक जो है जो हमारी तरह एक संवैधानिक देश नहीं है, एक्चुअल में ये राजतांत्रिक देश है। ठीक है, इसको कहीं कहीं भूटान्त भी कहा जाता है। हिमालय पर बसा हुआ एक हिस्सा है और एशिया का एक छोटा सा महत्वपूर्ण देश है और ये चीन, तिब्बत और भारत के बीच स्थित एक क्या है, मैंने भी बताया, लैंडलॉक देश है। इसका स्थानीय नाम की बात करेंगे तो इसका नाम, स्थानीय नाम जो है ड्रुगयुल है। ठीक है, क्या नाम है इसका स्थानीय नाम? इसका स्थानीय नाम है ड्रुगयुल, जिसका अर्थ होता है अजदहा। अर्थ क्या होता है इसका? इसका अर्थ होता है अजदहा। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि इसका कई बार ये आएगा कि क्या भूटान में कहीं भी पहाड़ हैं या नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि भूटान में थोड़ी सी समतल भूमि है और वो भी अगर देखें तो दक्षिणी भाग में है। समतल भूमि की अगर बात करेंगे तो वो भी कहाँ है? दक्षिणी भाग में है। सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर अगर देखा जाए ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर ये जो है तिब्बत से जुड़ा हुआ। देखो भारत में, जब भारत का मैप आप देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये जो रेड कलर वाला एरिया है ये आपका कहाँ है? ये है आपका भूटान। ये इधर आपका मान लो ये आ जाएगा चाइना, इधर आ जाएगा तिब्बत और ये आ जाएगा आपका इंडिया। इस तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई। ठीक है, भूटान के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं। तो 17वीं सदी के अंत तक 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच जो है चिन सिंचुलू संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किसके? सिंचुलू संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और ये कहा था कि भूटान ने कुछ सीमावर्ती राज्य जो है जो अंग्रेज थे उनको जो है दिए थे। 1907 में भूटान में क्या होता है? राजशाही की स्थापना होती है और 3 साल बाद एक समझौता होता है और वो भूटान का समझौता जो था वो समझौता ये था कि इंग्लैंड जो है वो क्या करेगा? उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा? इंग्लैंड उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और लेकिन विदेश नीति जो है, अगर बात करेंगे किसकी? विदेश नीति की, तो विदेश नीति जो है वो इंग्लैंड के द्वारा क्या की जाएगी? विदेश नीति इंग्लैंड के द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? विदेश नीति इंग्लैंड तय करेगा, इंटरनल मामलों में जो है वो बिल्कुल भी उसके इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है 1949 में भारत और भूटान समझौते के, जब भारत आज़ाद हुआ है ना, ये आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, और जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी लगभग यही सारी चीज़ें जो है एक सी रही। भूटान की वो सारी ज़मीनें उसे लुटा दी जो भूटान ने जो पहले समझौते करके भारत को दे रखी थी वो ज़मीनें, तो वो ज़मीनें क्या कर दी? लौटा दी। और ये कहा कि उसकी जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, अब इससे दो चार और फैक्टर बता देता हूँ। क्या है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुला कांगरी। क्या नाम है उसका? कुला कांगरी। उसकी सबसे छोटी ऊंची का नाम सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुला कांगरी, जो 7553 मीटर ऊंची है। 7553 मीटर ऊंची है। ठीक है, और इसकी एक और चोटी है जिसका नाम है गांगखर पुएनसुम। ये वाली भी काफ़ी फेमस चोटी है इसकी, गांगखर पुएनसुम। इसकी भी ऊंचाई ध्यान रखना 6896 मीटर है। ठीक है, 6896 मीटर। भूटान की बात करेंगे, अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ था। किसका? पैट का। किसका पेपर हुआ था? पैट का, यूपी में जो होता है ना पैट का पेपर, वो पैट का पेपर हुआ था। तो उसमें पूछा था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाएगा, मतलब थंडरबोल्ट का मतलब क्या? बिजली जो चमकती है। तो भूटान में क्या होता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा जो बिजली चमकती है ना वो कहाँ चमकती है? भूटान में चमकती है। तो भूटान के लोग जो हैं उस बिजली को अपने देश की अपने देवताओं से जुड़ा हुआ मानते हैं और उस की जो है वो क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी ध्यान रखना। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहेंगे? भूटान को कहेंगे। इसकी जो मुख्य नदी की बात करेंगे तो मुख्य नदी है इसकी मानस। ठीक है, इसकी क्या मुख्य नदी है? इसकी मुख्य नदी है मानस।
भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो आपका जीडीपी जारी नहीं करता। भूटान जो है वो क्या नहीं करेगा, जीडीपी जारी नहीं करेगा, वो क्या, वो करता है जीएनएच, क्या है, क्या करता है वो, जीएनएच, ग्रीन नेशन हैप्पीनेस, ठीक है, क्या करेगा वो, ग्रीन, GREEN, ग्रीन नेशन हैप्पीनेस जारी करता है, ठीक है, ग्रीन नेशन हैप्पीनेस क्या करेगा, जारी करेगा, ग्रीन नेशन हैप्पीनेस जारी करेगा। भारत और भूटान की बात करेंगे तो ये 699 किलोमीटर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 699 एक दूसरे से क्या है, किलोमीटर जुड़े हुए हैं। भारत के जो चार राज्य हैं, कितने राज्य, चार राज्य हैं, कौन कौन से, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये इससे क्या हैं, जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना कितने राज्य हैं, चार राज्य इससे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। 699 किलोमीटर सीमा की लंबाई है। भारत और नेपाल में एक, भारत ने क्या किया है, नेपाल, सॉरी नेपाल की बात कर रहा हूँ, ये मिस्टेक है, ये भारत ने क्या किया है, भारत ने यहाँ पर कहाँ पर, भूटान में, इसकी जगह, इसके बाद भारत ने एक कारी गरोंगरी जलाशय परियोजना बनाई है यहाँ पर, कौन सी, काली कारी गरोंगरी जो परियोजना है, ये कारी गरोंगरी परियोजना भी जो है भूटान में क्या की है, बनाई है। और करंट के एक दो क्वेश्चन से ये है कि हाल ही में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, प्रोजेक्ट दत्तक चलाया है, और भूटान की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी, भूटान की कितनी, लगभग 1800 किलोमीटर लंबी क्या बनाई है, एक सड़क बनाई है, ये वाली चीज़ भी ध्यान रखना। 2560 करोड़ रुपए में, 2560 करोड़ रुपए में सनकोसी जल परियोजना है, ये सनकोसी जल जलाशय परियोजना, सनकोसी जलाशय परियोजना जो है यहाँ पर क्या है, भारत और भूटान के बीच में चल रही है। तो तीन चार करंट के क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट दत्तक इसके द्वारा चलाया गया, तो आप कहोगे प्रोजेक्ट दत्तक BRO के द्वारा चलाया गया, इससे सड़क बनी है। एक जो है कारीगरोंगिरी जो परियोजना है वो कहाँ पर बनाई है, तो ये आप बता दोगे कि ये परियोजना जो है बनी है भूटान में, और सनकोसी जलाशय परियोजना कहाँ बनी है, तो भूटान में। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो यहाँ चल रही है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने यहाँ पर लगभग 4500 करोड़, 4500 करोड़ रुपए जो है क्या किए हैं, दिए हैं इसको, 4500 करोड़ रुपए दिए हैं। क्लियर है इतनी बात। अब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका नाम क्या है, डोकलाम विवाद, या इसी का जो दूसरा नाम है, कई जगह इसको ऐसे भी कह रखा है डोकलाम, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना कि डोकलाम अलग है या डोकलाम अलग है, ये एक ही चीज़ है। डोकलाम की बात करो, पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इसको मैप में देखेंगे। डोकलाम भूटान चीन के बीच का विवादित क्षेत्र है, पहली बात तो ये, आपको ये नहीं कहना कि भारत और चीन के बीच का विवादित एरिया है, ये किसके बीच का है, ये भारत, सॉरी भूटान और चीन के बीच का क्या है, ये विवादित एरिया है, ठीक है। अक्सर होता क्या है, अक्सर होता ये है कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में क्या होते हैं, घुस जाते हैं, जिस, और भारत को क्या प्रॉब्लम होती है, भारत के रणनीतिक हित इससे जो है क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक्चुअल में जो डोकलाम है वो एक ट्राइजक्शन है, ट्राइजक्शन का मतलब है, इसको कह सकते हैं आपके, ये जो है एक त्रिबिंदु है। मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था त्रिबिंदु क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो तीन देशों के बीच में हो उसको कहा जाता है त्रिबिंदु, ठीक है। तो सिक्किम के आसपास वाला जो एरिया है जहाँ पर तिब्बत से इसकी सीमा मिलती है, वहाँ पर जो है एक घाटी है, और उस घाटी का नाम क्या है, घाटी का नाम है चुंबी घाटी। उस चुंबी घाटी के आसपास वाला जो एरिया है वो है डोकलाम, तो वो ट्राई पॉइंट है, ठीक है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, ये सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, और ये आपका चाइना ही कह दो आप इसको, क्या कह दोगे, चाइना, क्योंकि चाइना ने उस पर कब्जा कर ही रखा है। आपको मैंने बताया था कि जो है आपका तिब्बत, तिब्बत पर चाइना ने क्या कर रखा, कब्जा कर रखा, तो ये ट्राई पॉइंट हो रहा है। अब ट्राई पॉइंट ये हो रहा है, अब इसको इस वाले मैप में देखो आप, तो जो भारत का जो ये वाला चिकन नेक है ना, इससे चिकन नेक काफ़ी प्रभावित होता है, ये भारत के अंदर तक घुसने की कोशिश करता है चाइना, तो इस वजह से क्या होता है, भारत इसका बार बार भूटान को समर्थन देता है कि एक काम करो, आप इसका विरोध करो, और अगर आप इसका विरोध करेंगे तो हम आपके हमेशा क्या रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये मूल रूप से 2017 में उपजा हुआ एक विवाद था, और जो उपजा था किस किसके बीच, भूटान के और चीन के बीच। क्लियर हो गए डोकलाम के विवाद से, कौन सी घाटी है यहाँ, चुंबी घाटी है, कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी है, और कौन सा पठार है, डोकलाम का पठार, कहाँ है ये। दरअसल जो भूटान है ना, भूटान की आपको नीति का पता ही है कि
कि भूटान ने क्या किया है, अपना एक जो जो चाइना डेवलपमेंट कॉरिडोर है उसके तहत उसने क्या किया, अंदर तक जो है, अंदर तक क्या कर लिया, अंदर तक उसने रोड बना ली यहाँ तक। तो इस रोड की वजह से ये मुद्दा जो है उठा था। चलो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल जो है अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, डोकलाम विवाद की। ठीक है, भूटान की अगर बात करेंगे तो भूटान की मुद्रा की बात करेंगे तो नगुल ट्रम है, और राष्ट्रीय खेल की अगर बात करेंगे इसका तो राष्ट्रीय खेल है इसका तीरंदाजी। ठीक है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल इसका तीरंदाजी है। ठीक, राष्ट्रीय खेल इसका क्या है, तीरंदाजी है। और यहाँ जो है आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान, देखो एक तो क्वेश्चन ये है कि गोल्डन जुबली एक्सप्रेस, गोल्डन जुबली एक्सप्रेस, गोल्डन जुबली एक्सप्रेस की अगर बात करेंगे तो गोल्डन जुबली एक्सप्रेस भारत जो है चलाने का विचार कर रहा है वो किस देश के साथ, उसका आंसर हो गया भूटान। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि भूटान के राजा का नाम क्या है, ये आप बताओगे, भूटान के राजा का नाम क्या है, एक क्वेश्चन ये आप बताओगे। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि भूटान में जाने के लिए करंट का क्वेश्चन है, भूटान में जाने के लिए कितनी कितनी आयु वाले, कितनी आयु वाले व्यक्तियों को, कितनी आयु वाले व्यक्तियों को, कितनी आयु वाले व्यक्तियों को वीज़ा की आवश्यकता होती है, या पासपोर्ट कह दो यार, पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, ये आपका पूरा है। भूटान के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं है, ये दो चार चीज़ें याद रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। अच्छी लगेगी तो यार लाइक कर देना, नहीं लगेगी मत करना। ठीक है।